हेलो, वेलकम फूडी फनेटिक बाय शानी। मैं शेफ शानी। आज जनाब हम बना रहे हैं बड़ी ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी। वो जनाब है दाल दाल माश, जिसको उड़द की दाल भी बोलते हैं। तो मेरी बड़ी ही पर्सनल फेवरेट दाल है। तो आज बड़ी ही यूनिक तरीके से, यूनिक रेसिपी से हम बनाते हैं। आज बनाई है दाल माश, जिसको उर्द की दाल भी बोलते हैं। बड़ी सिंपल मैंने रेसिपी रखी है। मैंने कोई ज़्यादा मसाला ज़्यादा नहीं डाले, गरम मसाला नहीं डाला ज़्यादा, सिर्फ ब्लैक पेपर और ज़ीरा डाला है, सॉल्ट डाला है और गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिल्ली और धनिया डाला है, उसमें बटर डाला है। थोड़ी सी बटर तो थोड़ा हैवी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो भी रेसिपी हो मैं उसमें मसाला ज़्यादा बहुत कम डालता हूँ। सिंपल होनी चाहिए रेसिपी, और इसलिए मैं हर एक चीज़ को कैलकुलेट करता हूँ कि थोड़ा सिंपल हो और इजी हो। अब जनाब हम तो रोगनी नान के साथ इसको ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त दाल का। इसको अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल मिक्स, या जैसे ज़्यादा गल जाती है वो दाल माश मज़ेदार नहीं रहती। इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, दूसरा ये कि मज़ेदार नहीं रहती अगर उसमें सही उसका दाना साबित ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, यानी गोश्त बना रहे हैं, तो गोश्त का जो टेस्ट है, या दाल है तो दाल की जो उसकी बॉडी का टेस्ट है वो होना चाहिए। हम मसाला जात इतने ज़्यादा डाल देते हैं कि उसका वो टेस्ट ही गायब हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ हो, जो भी हम बना रहे हैं, तो वो उसका टेस्ट, उसकी बॉडी का भी टेस्ट आना चाहिए। यानी हम दाल बना रहे हैं तो दाल का अपना टेस्ट भी बीच में आना चाहिए, सिर्फ मसालों का टेस्ट नहीं आना चाहिए। तो इसमें दाल का अपना टेस्ट है क्योंकि बहुत लाइट है, और यकीन करें आप प्लेट भर के खा लेंगे आपको ज़रा फील नहीं होगा, एक दो घंटे बाद आप कहेंगे दोबारा हमें खाना है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट बना हुआ है।